हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि कल हमने एक वीडियो का डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड मैं आपको बात बताने वाला हूँ, और वो शेयर में एक बाइंग सिग्नल आया है। वो कैसे आया है, जैसे कि मैं हमेशा आपको दिखाता ही हूँ, बट अभी दोबारा दिखाऊंगा, और कुछ उसका फंडामेंटली एज वेल एज बात करेंगे उसके फाइनेंशियल्स की। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा शेयर है जिसने बोनस भी दिया है, ओके, और आई थिंक 2017 और 18 में 2 बार कंटिन्यूसली बोनस भी दिया है, ओके, स्प्लिट भी कंपनी हुआ है, राइट इशू भी आया है, डिविडेंड तो 2019 में तो 4 बार डिविडेंड दिया है उसने कंटिन्यूस। तो इसी से रिलेटिव बातें करेंगे, देखेंगे, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इसे थम्सअप दीजिए, एज वेल एज इसे दूसरे लोगों तक भी फैलाइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं, एक एंजल ब्रोकिंग में आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर। और एज वेल एज बात की जाए, एक और श्री राम जी का अयोध्या में जन्म भूमि पर वहाँ मंदिर बन रहा है, अगर इस पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और अपनी इच्छा अनुसार जितना भी आपका सहयोग हो सके उतना आप सहयोग दे सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, पहले उसका कुछ चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो देखिए, कल की डेट में मार्केट गिरी थी, बहुत अच्छी तरीके से गिरी थी, जहाँ पर बैंकों के शेयर 6-6, 7-7% गिरे थे, बट ये शेयर केवल 2% ही गिरा है, क्योंकि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनी का शेयर है। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए शेयर स्टार्टिंग में तो ऊपर गया ही था, बट यहाँ पर गिरता हुआ लास्ट में हमें नज़र आया है, और काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से अगर देखा जाए, काफ़ी फेवरेबल पे ये अभी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर 1 साल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर 650 रुपये के आसपास था मार्च में गिरने से पहले, जब पेंडेमिक आया था, 400 के आसपास ये गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या जंप है। और अभी भी अगर हम यहाँ पर सर देखते हैं, तो लगभग 15% ये नीचे अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट हम इसे नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ये शेयर कभी पैसों 1-2 रुपये, 4 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, ओके। तो इसकी अगर हम जर्नी देखते हैं, तो क्या जर्नी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, लॉन्ग अगर हम ऑल टाइम हाई की जर्नी देख लेते हैं, तो लगभग 24,000% के, 23,500% के यहाँ पर रिटर्न दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी देखें तो 16-17,000% के यहाँ पर रिटर्न दिखते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। बट कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ओके। तो इसकी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ 52 वीक लो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 425 रुपीज़ का 52 वीक लो, 52 वीक हाई 808 रुपये का था, जो कि 21 जैन को था। उसके बाद कंपनी लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है, और अगर यहाँ पर देखते हैं हम, तो लगभग कितने यहाँ पर आप देख सकते हैं 49% के लगभग यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे शेयर उठाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनी फंडामेंटली साउंड है। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम अलग से देखेंगे, बट डिविडेंड की बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं 2019 में 4 बार डिविडेंड दिया है, वो भी 2-2 रुपये का, 2020 में डिविडेंड दिया है, और 2021 में देखिए अभी दोबारा फेब में ही इसने डिविडेंड दिया था शायद, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पर कुछ ही शेयर, मतलब 0.66% के शेयर यहाँ पर गिरवी रखे हैं, जो कि कोई बड़ा इशू है नहीं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका जिसका ये शेयर है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे की बात करिए डिविडेंड, तो डिविडेंड देख सकते हैं क्या डिविडेंड है, एज वेल एज बोनस की बात करें, 2017-18 में 1:1 और 1:2 का यहाँ पर कंटिन्यूसली रेस्पेक्टिवली यहाँ पर देखा गया है बोनस देते हुए, तो कंपनी देखिए बोनस भी दे रही है। स्प्लिट की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2006 में एक बार स्प्लिट भी हुआ है, ओके। अगर राइट इशू की बात की जाए, तो कंपनी ने राइट इशू भी लाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:7 का 2008 में। तो कंपनी आपको अच्छा खासा बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, राइट इशू सब कुछ देती आ रही है। तो ऐसी ही कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म का विजन रखना, और जबकि चार्ट पैटर्न बड़ा प्रॉमिसिंग हो, अगर जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिख रहा है, इतने अच्छे रिटर्न हमें दिख रहे हैं, तो इस कंपनी में रहना हमें अच्छा लगेगा कि ऐसी कंपनी को ही हम चूज़ करें। और अगर हम बात करते हैं किस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंपनी का नाम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अगर इसके प्रोडक्ट्स की हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, ये विकिपीडिया का पेज है, तो मुंबई में बेस्ड ये कंपनी है, ओके। अगर बात की जाए, तो देखिए क्या क्या काम करती है, सोप मतलब साबुन ये बनाती है, हेयर कलर कलर ये बनाती है, टॉयलेटरीज ये बनाती है, लिक्विड डिटर्जेंट्स ये बनाती है। आप सिंथोल साबुन सोप यूज़ करते होंगे नहाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए इसी कंपनी का है। गोदरेज फेयर ग्लो,
ओके गोदरेज नंबर वन, गोदरेज शिका का है सोप, ओके गोदरेज पाउडर ड्राई, तो ये कंपनी इजी आप का वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो लिक्विड डिटर्जेंट यहाँ पर आप ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। और ये कंपनी केवल इंडिया में ही नहीं अपने प्रोडक्ट्स बाहर विदेशों में ही बेचती है, बहुत तो अच्छी तरीके से इनके प्रोडक्ट्स सेल आउट होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर देख लीजिए गुड नाइट वगैरह आप यूज़ करते हैं, ओके गर्मी में देखिए जब मच्छर बढ़ेंगे तो लोग सबसे ज़्यादा इसी को प्रेफर करते हैं, गोदरेज को यूज़ करते हैं। गोदरेज एक्सपर्ट डार्लिंग सैनिटाइज़र, यहाँ इसके सैनिटाइज़र आप यूज़ करके देखना, मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी बेहतरीन इसके सैनिटाइज़र है। ओके एज वेल बात की जाए हिट हिट आप देखते हैं कॉकरोच एज वेल एज मच्छर मारने के लिए, तो देखिए ये हिट इन्हीं का प्रोडक्ट है। और यहाँ फ्रेगनेंस की बात की जाए तो गोदरेज एयर इनका प्रोडक्ट है, इजी इनका प्रोडक्ट है, गोदरेज नंबर सिंथॉल इशू। ओके यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट सर नुपुर मेहंदी प्रोफेशनल TCB, तो मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स हर घर में यूज़ किए जाते हैं, तो इस शेयर की तरफ ध्यान रखिएगा, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि तो एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, क्यों मैं इस कंपनी को चूज़ किया है उसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर अगर देखें मार्केट कैपिटल तो लगभग 70,000 करोड़ रुपये का यहाँ पर सीधे हमें मार्केट कैपिटल दिख रहा है, मतलब लार्ज कैप कंपनी हमें दिख रही है। ROCE की बात की जाए तो 28% का, जो कि काफ़ी बेहतरीन प्रॉमिसिंग हमें नज़र आ रहा है, और डेट इक्विटी रेशियो ना के बराबर है 0.03। अगर बात की जाए देख कंपैरिजन तो इसका बड़े बड़े सीधे HUL से ही होता है क्योंकि उसके ही प्रोडक्ट मोस्टली बेचे जाते हैं, बट इसके प्रोडक्ट भी लोग यूज़ करते हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए सेल्स देख लीजिए, सेल्स आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। इस बार सितंबर में सेल्स देखिए क्या सेल्स है, 1,680 के आसपास है और यहाँ पर 1,695 के आसपास यहाँ पर इस बार दिखाई दी है, मतलब सारे 2008 मार्च से अभी तक की बात की जाए तो सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ होती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। और यहीं पर ही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट सितंबर और दिसंबर कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए 351 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है, जो कि अगर इसे हम छोड़ दें दिसंबर 2019 को छोड़ दें तो अभी सारे सारे उसमें सारे क्वार्टरली वाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आया है। अगर बात की जाए ईयरली बेस पे तो यहाँ पर सेल्स कभी देखिए 1,088 करोड़ की होती थी, आज की डेट में देखते हैं तो लगभग पिछले 12 महीने में 5,869 करोड़ रुपये की यहाँ पर सेल होती हुई हमें साफ नज़र आ रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी देखिए हर एक साल में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था मार्च 2019 में, फिर उसके बाद थोड़ा घटता हुआ नज़र आया था यहाँ पर, तो आप समझ ही सकते हैं मार्च में 2020 में क्यों घटता हुआ नज़र आया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,214 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आया और कंपनी इज गोइंग बैक टू बिजनेस में आ रही है, तो इस कंपनी की नज़र रखिएगा। और स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, ओके लोग बाहर जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये जो प्रोडक्ट्स है जितने भी सोप हो गए या एज वेल एज बात की जाए ये कलर से रिलेटेड है, इसके बात की जाए इसके ऑयल से रिलेटेड है, तो उससे लोग इसके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर 5,651 करोड़ के रिजर्व्स हैं जो कंटिन्यूसली हर साल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेट की भी बात की जाए 2019 तक कोई डेट नहीं था, बट कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा डेट अपना यहाँ पर लिया है, ओके। और अभी अगर और बात की जाए यहाँ पर पिछले 6 महीने में तो देखिए डेट रिड्यूस होता हुआ भी नज़र आया, 174 करोड़ रुपीज़ का ही डेट है, यहाँ पर उससे पहले 326 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर डेट था। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है 4,373 करोड़ रुपीज़ का, काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात की जाए यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की तो लगभग 48 करोड़ रुपीज़ का कैश भी है, एसेट टोटल एसेट बढ़ते नज़र आ रहे हैं, कैश एक्टिविटी यहाँ पर अच्छी खासी है यहाँ पर कैश फ्लो। अगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करें अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास कंटिन्यूसली सेम ही होल्डिंग है 63.23% की, 0.01% की हिस्सेदारी बीच बीच में बेचते हुए नजर आया है, बट कोई परेशानी नहीं है, अच्छी खासी होल्डिंग इनके पास अभी भी है 63.23। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास 26.77% की हिस्सेदारी है, आप यहाँ पर गौर करने की बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अच्छी खासी डिलीवरीज यहाँ ले रखी है। DIS की बात की जाए तो यहाँ पर 3.09% की हिस्सेदारी यहाँ पर DIS ने भी ले रखी है, जो कि बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास केवल 6.91% की हिस्सेदारी है, तो
कुछ भी नहीं है पब्लिक के पास, सारी जो हिस्सेदारी है या तो DIS के पास है या FIIs के पास है या प्रमोटर्स के पास है। तो कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग है ओके, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर आपको रखना है तो ये शेयर रख सकते हो, और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी रख सकते हो तो यहाँ पर आपको कुछ चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। मैंने ऑलवेज बताया कि एक सिग्नल है ओके, जब भी इस तरीके का कोई सिग्नल आता है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर बाइंग करने का। तो यहाँ पर एक बाइंग का ऑप्शन इसने दे दिया है ओके, किस पे दिया है 679 पे, और अभी ये शेयर किस पे कितने पे चल रहा है, 686 पे चल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा। अगर बात की जाए इसके RSI की तो लगभग 33 का इसका RSI साफ नज़र आ रहा है, और 33 का RSI का मतलब है रिस्क बिल्कुल कम और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा। तो अगर ये 20% भी यहाँ से बढ़ता है ना आपको पिछले एक आगे आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट लेके चुपचाप निकल जाइएगा ओके, और प्रॉफिट को अर्न करके दोबारा जब इसमें मौका मिले, जब ये नीचे गिरे फिर उठा लीजिएगा। तो 20-20% का प्रॉफिट लेते रहेंगे तो आपका साल में इस तरीके से क्या कहते हैं 60% से 80% का प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से आपका आप एक काम कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो काफ़ी बेहतरीन प्रॉमिसिंग यहाँ पर आपको शेयर नज़र आ रहा है और बाइंग सिग्नल दिया है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पर आप इसे खरीद सकते हैं। कंपनी काफ़ी टाइम से गिर रही है ओके, और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इसका चार्ट पैटर्न है, और यहाँ पर खरीदते हैं जब इस लेवल पर आ जाए बेच देना, तुरंत निकल जाना, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा ओके, खुद की स्टडी जरूर कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप इस तरीके से उनको भी फ़ायदा पहुँचा सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।